तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 2.6 तक सॉल्व किया था। अब हम लोग एग्जाम्पल 2.7 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्लियरली गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम्स है, एंड अ कंडक्टर, एंड देयर इज़ अ कंडक्टर, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम्स दिया है, और ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। किसको कनेक्टेड है? 6 वोल्ट बैटरी को। तो लैम्प और कंडक्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और किसको कनेक्टेड है? ये लोग 6 वोल्ट बैटरी को, और फिगर भी दिया है, एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट फर्स्ट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करना है। बी द करंट थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना है। एंड सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, ये इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है, और कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज़ द फिगर गिवन टू अस। ऑल राइट, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक लैम्प, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट बैटरी है, ये एमीटर, ये सब का तो काम कुछ है नहीं। ऑल राइट, ये सब में गिवन क्या क्या था? ये हमारा वो कंडक्टर है 4 ओम्स का, ये हमने वो लैम्प बना दिया 20 ओम्स का, और ये हमारा बैटरी है 6 वोल्ट का। ठीक है, ध्यान दो, तो हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, ये पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस हैं, टोटल करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है, और थर्ड फाइंड करना है भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम्स, 4 ओम्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम्स, 20 ओम्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी फाइंड करना है इंडिविजुअल। गिवन क्या क्या है? तो ये गिवन जो 4 ओम है ना, उसे अगर मैं R1 मान के ले लूँ 4 ओम्स रेजिस्टेंस 1, ये लैम्प है लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो इसे मैं मान लूँगा R2, और ये हो गया 20 ओम, ये सब गिवन है। और ये कौन है? ये मेरा बैटरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को PD लिख के V लिख दो, क्योंकि V से भी नोट करते हैं, और वो कितना है? 6 वोल्ट। अब ये जो वोल्ट है उसका यूनिट जो है वो वोल्ट है, वो भी वी से डिनोट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का डिनोशन भी वी है, तो वी इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ये कुल चीज़ हमें दिया है। ऑलराइट, तो इसके सॉल्यूशन का पार्ट बनाते हैं। पहला चीज़ देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो, इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, तो आपको दो ही रेजिस्टेंस दिखेंगे, एक दिखेगा 4 ओम्स का और एक दिखेगा 20 ओम का, करेक्ट है? अब देखना पड़ेगा भाई इनका कनेक्शन कैसे हुआ है, तो देख लो इनका कनेक्शन कैसे हुआ है। अगर यहाँ से मैं, ये मान लो पानी का पाइप है, यहाँ से ये पानी जो बहेगा, जो 4 ओम से पानी बहेगा, वही पानी 20 ओम से ही बहेगा ना, यानी इस वाले पाइप से जो पानी जाएगा वही पानी इस वाले पाइप से भी जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जब पानी का डायरेक्शन डिवाइड नहीं होगा तो कनेक्शन किस में होंगे? कनेक्शन सीरीज़ में होंगे। तो ये कनेक्शन जो हुआ है सीरीज़ में हुआ है। सीरीज़ कनेक्शन का डिनोशन क्या है? RS। सीरीज़ कनेक्शन डिनोशन क्या है? RS। तो इस सर्किट का टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा? RS होगा। और कितना होगा? तो होगा भाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माने 4 ओम प्लस 20 ओम, और ये हो गया 24 ओम्स। तो 24 ओम्स क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया टोटल करंट ऑफ द सर्किट। आगे समझ में? अब आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो RS हो गया आपका 24 ओम्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है? टोटल करंट इन द सर्किट, बराबर। तो अब ओम्स लॉ को याद करो, तो ओम्स लॉ का रफ में करना है V इज इक्वल टू IR, ये कहता है ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब मुझे टोटल करंट फाइंड करना है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए सर्किट का, और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस, तब जाके पूरे सर्किट का क्या मिलेगा? टोटल करंट, बराबर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है क्या? टोटल V दिया है क्या? दिया है। कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। टोटल रेजिस्टेंस तुमने फाइंड किया क्या? हाँ फाइंड किया ना, RS फाइंड किया, वही तो टोटल रेजिस्टेंस है। तो क्या तुम्हें करंट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो फ्रॉम योर यू कैन से I इज इक्वल टू VR, मतलब V अपॉन R। ठीक है, अब V जो है आपका वो कितना है? V है आपका 6, करेक्ट, 6 वोल्ट, देखो बेटा 6 वोल्ट। और I R, मतलब सिर्फ R नहीं, ये RS ले लोगे तो बेटर रहेगा,
क्योंकि ये कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस कौन है, आर एस है, और आर एस कितना है तो ये 24 है। अभी डिवाइड करो कितना आएगा, 1/4, 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ये 0.25 एम्पियर क्या हो गया, ये 0.25 एम्पियर आपका करंट हो गया। कितना, सर्किट का टोटल करंट, सर्किट का टोटल करंट। अब जब मैं आप लोग को क्या करवा रहा था, जब डेरिवेशन करवा रहा था, किसका डेरिवेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, तब मैंने वहाँ पर क्या कहा था आपको, आपको एक बात कहा था कि जब कनेक्शन सीरीज़ में होता है ना तो करंट सेम करंट बहता है, पूरे सर्किट में सेम करंट बहता है। इसका मतलब क्या है, ये 0.25 एम्पियर 4 के अक्रॉस भी है और 0.25 एम्पियर 20 के अक्रॉस भी, यानी कि कंडक्टर के अक्रॉस भी वही करंट बह रहा है और लैम्प के अक्रॉस भी वही करंट बह रहा है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम्स। वहाँ पर मैंने एक बात और बताया था कि सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो करंट जो है वो सेम बहता है, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, समझे। तो यही अगर पैरेलल में कनेक्शन होता और आपसे कोई पूछता पोटेंशियल डिफरेंस बताओ भाई 4 ओम और 20 ओम के अक्रॉस, तो आप बोलते नहीं, जो 4 के अराउंड होगा वही 20 के अराउंड होगा, जो 20 के अराउंड होगा वही 4 के अराउंड होगा, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक बार फाइंड करने होता। लेकिन ये कनेक्शन हुआ है सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मान लेता हूँ V1, वही V इक्वल्स टू आयर, तो V1 I करंट सेम है ना बेटा, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ I डिनोट करूँगा उसको। और R जो है मेरा, यहाँ पर R कौन होगा, R1, ये R कौन होगा, R1 4 के अक्रॉस, तो ये R1। तो V1 क्या हो गया, I कितना है 0.25 इंटू R1, R1 कितना आपका 4 है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4, 0.25 का मतलब 1/4 है, ये 4 कैंसिल, तो V1 कितना हो गया 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा इसके अक्रॉस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, समझ में आया क्या। अब 20 के अक्रॉस फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20, तो उसको क्या ले लूँ मैं बच्चा, इसको क्या ले लूँ, क्या मैं इसको V2 ले लूँ, कैन आई टेक इट टू बी V2, तो V2 ले लिया, आई तो सेम है और ये R2, आई 0.45 यानी 1/4 इंटू R2 कितना है 20 है, तो कितना हो गया 5 वोल्ट, तो V2 हो गया 5 वोल्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से आपको आपके सारे जो डाउट्स थे ये सम के बारे में वो हो गए रहेंगे क्लियर। ओके, नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।